हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लवली जी। हाँ जी। आप पुलिस में है ना जी? हमारा एक काम करेंगी। बोलिए। देखिए, थोड़ा बहुत ऐसा कैदी लोग होता है जिन्हें अच्छे बर्ताव के लिए ऐसा जल्दी छोड़ दिया जाता है। ऐसा कोई अच्छे बर्ताव वाला होगा ना तो हमारा रिश्ते का थोड़ा बात कराइए ना उससे। कैदी से? उससे पता चलेगा ना तुमसे शादी हो रही है, वो वापस बुरा बर्ताव करके जेल में हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हमारे लिए बहुत आते हैं रिश्ते। हमारे मम्मी पापा इस वक्त भी एक रिश्ते का बात करने गए हुए हैं। अच्छा, अच्छा। हाँ, शायद हमारा रिश्ता आज ही पक्का भी हो जाए। अचरना जी बहुत अच्छा लड़का है। हा? ये कड़वाहट भरी जिंदगी में मिठास बांटता है। क्या करता है? गन्ने का जूस निकालता है वो। गन्ने का जूस का ठेला है उसका, और मशीन भी उसका खुद का है, दूसरे का नहीं है। अच्छा। सोचिए, कपड़ा धोके हम थके मांदे जाएंगे उसके ठेले पे, एकदम ठंडा गन्ने का जूस मीठा मीठा हमको पिलाएगा, कितना अच्छा रहेगा। और सोचिए ना, गन्ना आगे जाके क्या बनता है? गुड़ बनता है। हाँ। गुड़ सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। हाँ। इट्स ऑर्गेनिक, कितना बहुत अच्छा रहेगा, इससे अच्छा काम हो ही नहीं सकता। ये क्या कर रही है? जूस निकाल रही है। हमारा फोन बज रहा है। तो उठाओ ना फिर इसको। उठा रहे हैं, वाइब्रेटर पे है ना। एक मिनट, मम्मी का फोन है, शायद हमारा रिश्ता पक्का हो गया है। हेलो, रिश्ते को मना कर दिया है। काहे? कहते हैं कि मम्मी ऐसी है तो बेटी कैसी होगी। तेरा लड़का उधर है क्या? उसको फोन दीजिए। हेलो, आप रिश्ता मना किए हैं? क्या हुआ, मना कर दिया लड़के ने? वो काम मना करेगा, हमने मना किया है। अरे, गन्ने का जूस निकालना भी कोई काम है? बेजुबान गन्ना कुछ बात नहीं कर रहा, कुछ बोल नहीं रहा, मशीन में ऐसा कुचल दीजिएगा आप गन्ने को। ये क्या बात हुआ? और वैसे भी अगर हमको किसी जूस वाले के साथ शादी करना है तो गन्ने का जूस क्यों? हम कोई फ्रूट जूस वाले से शादी करेंगे? अनार का जूस निकाले, मौसम्बी का निकाले, संतरे का निकाले, कुछ वैरायटी तो रहेगा। इसके पास ले देके क्या है? गन्ना। गन्ने का समझो सीजन चला गया, मशीन में क्या डालेगा? बांस। और गन्ने से जाके बनता क्या है आगे? गुड़। आज के जमाने में गुड़ कौन खाता है? बुढ़िया आ गई तुम। कौन खाता है? सब चॉकलेट खाता है आजकल, डार्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, फ्रूट एंड नट चॉकलेट। हाँ। कोई गुड़ नहीं खाता है। हाँ। बड़ा ही गन्ना लड़का है। इससे रिश्ता नहीं करना है। गुड फॉर नथिंग, हम नहीं करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाह रहे थे हम। क्या? ये हमें लगता है कि क्या है कि आप लोग अभी ऐसा मेडल जीत के आए हैं, इतना बड़ा बात हुआ है, सब लोग आपको बुलाएंगे घर पे, पार्टी वार्टी होगा, बहुत पार्टी में डांस वांस करना होगा। नहीं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत अच्छा बीवी जी, बहुत ही मजा आ गया। अब क्या हमको थोड़ा जाना है, क्या है कि वो ऋतिक रोशन जी है ना, उनका बहुत सारा कपड़ा धोना है। क्या है, वो ऐसा 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 करके यहाँ से सब कपड़ा गंदा करके जाके धोना पड़ेगा। चलते हैं, चलिए। ओके, आइए। पीवी, जब आप सिंगल खेलती हैं, पिताजी इधर ही हैं? बाप का भी यही सपना होता है उस हिसाब से। जब जैसे आप सिंगल खेलती हैं, किसी ने आके आपसे कहा नहीं कि कब तक सिंगल खेलोगी, कभी डबल खेलो, डबल भी खेलो? मैंने खेला था डबल्स। नहीं नहीं, आप बात नहीं समझी मेरे। अब देखो, लड़की इतनी प्यारी है, ऊपर से देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आई है। हाँ। तो जाहिर सी बात है बहुत लोग लाइन में होंगे। हाँ। पर कोई पहुंच पाया आप तक? मतलब आया था फिर। पापा इधर ही है तो। हाँ। थोड़ा तो ध्यान। इनको भी तो कितने लोग बोलते होंगे। क्यों सर को माइक प्लीज दीजिए। सर नमस्कार, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, और बहुत बहुत मुबारक, आपकी बेटी जो है हमारे देश का गौरव है, और तमाम अचीवमेंट्स के लिए आप, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं था। मैं ये पूछना हूँ कि ये सुपरस्टार हैं अभी, इनसे बड़ा स्टार ही कोई नहीं है, तो
दिन में कितने रिश्ते आ जाते हैं? फिलहाल दिन में तो अभी आ रहे नहीं है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ जल्दी आ जाए ताकि हम भी इनको शादी कर सके। अब तो सर इनके ऊपर है, ये किनको चुनती हैं, दुनिया तो बाहर बैठी हुई लाइनें लगा के। एक फनी बात यह है कि बहुत साल पहले चेन्नई में कोई तो एक पेटिशन डाला था कि 70 इयर्स का था वो, बोला कि मतलब शादी करना है नहीं तो उनको किडनैप करके मैं लेके जाती हूँ करके। ये तो अजीब ही केस हो गया। अच्छा ये लॉन बॉल के खिलाड़ी हैं चारों, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप लोगों का इंटरेस्ट कैसे आया ये गेम को खेलना है? चौबे साहब 2010 में ये गेम आया था। अच्छा जी, इंडिया ने पहली बार 2010 में पार्टिसिपेट किया ना? हाँ, और हम रांची से हैं तो फिर वहाँ ये गेम नया चालू हुआ था, तो एक भैया है वो बोले तुम ट्राई करके देखो नया गेम आया है, तो फिर हम ट्राई करने गए तो हमको अच्छा लगा, कंटिन्यू फिर करते करते आज आपके शो में आ गए हम। देखिए लॉन्ग बॉल में तो आप लोग गोल्ड लेके आए हैं, हम आपको ऐसी गेम खिलवाते हैं जो सालों से हम खेल रहे हैं बॉलिंग, तो आज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे खेलें एक बार। बिल्कुल 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 सर, लेके आइए जरा। तो ये थोड़ा हमने जो हमारे पास अवेलेबल था उसके हिसाब से हमने थोड़ा चेंज किया है। हम देखो लॉन बॉल के खिलाड़ी तो हमारे पास बैठे हैं, शुरुआत हम पीवी सिंधु से करेंगे, बैडमिंटन तो आप खेलती हो, आइए सब ट्राई करेंगे। पीवी सिंधु इस समय मैदान में, साफ साफ दिख रहा है कि गोल्ड ले ही लेंगी। नयन मोनी आइए ना, कब तक ऐसे बैठी रहोगी? आइए निखत आपकी बारी है। दर्शकों की नजरें निखत जरीन के ऊपर, निखत जरीन ने बहुत अच्छा मारा, बॉल के ऊपर बॉल मारा, फिर क्या हुआ, मारा तो है बहुत अच्छा। जरीन साहब आइए, आइए रूपा, क्या लगता है कर पाऊंगी? मिस पिंकी, थैंक यू सर। मिस पिंकी है मैदान में और इन्होंने ये फेंका बॉल और पवेलियन से बाहर। मुझे सिक्स मारने की आदत है, कहते मुझे सिक्स मारने की आदत है। चौबे जी आइए फिर जरा। बहुत धुआंधार प्रदर्शन लवली चौबे द्वारा, आइए आप। मैं नहीं, तू कर, एक करके तो देखें, कोई तो हमें पता चले कुछ कर लेती हैं आप। वाओ नाइस हील्स बेब। कपिल सर एक आप अभी लो। ये मेरा स्टाइल था, ऐसा मारा अभी तक यूं यूं कर रहा है, करेगा आगे तक, खेलेगा कभी बोल। बड़ा नॉटी है ये ले जाइए प्लीज। शर्मा जी आप लोगों ने देश का नाम रोशन किया, कंग्रेचुलेशन, यू आर सो प्राउड ऑफ यू एंड ओ माय गॉड सो ऑनर्ड टू सी यू। थैंक यू। ऐसे नहीं नाच के बधाई देते कि बधाई हो आपको सबको, दे दी बधाई। आप लोगों ने इनको कुछ देना नहीं देना, चलिए आप। बहन जी चलते शो में ऐसे नहीं आते किसी के। बहन जी तुमको शर्म नहीं आती शर्मा जी, मतलब मेहमानों के सामने अपनी बीवी को बहन जी कहते हुए? आपको शर्म नहीं आती मेहमानों के सामने मुझको अपना पति कहते हुए? शी इज नॉट माई बीवी, आई डोंट नो, आई एम बैचलर। बैचलर
वो दरअसल 6 महीने पहले ना शर्मा जी की याददाश्त चली गई, तो ये बेचारे भूल चुके कि मैं ही इनकी बेटर हाफ हूँ। एग्जैक्टली। क्वार्टर हाफ बोलती ना, मैं मान भी लेता। आप कैसी बातें कर रहे, मेहमान आए हमारे घर में, आपने कुछ खाने पीने का पूछा है? वही सॉरी, आप लोग कुछ लेंगे? वो तो तब लेंगे ना जब आप लोगों ने कुछ छोड़ा होगा। कल तो इसका बाप ना कच्चा आटा मुंह में डाल के ऊपर से घी पी रहा था। मैं क्या हुआ कहता कहता बेटा गैस खत्म है, मैं शीरा बना के अंदर ही अंदर पी जाऊंगा। हमारे घर में ना खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, हमारे गांव में ना बहुत बड़ा घर है, जॉइंट फैमिली है। हमारे परिवार में रोज 200-300 लोगों का खाना भी बनता है। तो आप इसकी बातों को मत मानिए प्लीज। 200-300 बने जब 250-300 लोग फैमिली में है तो क्या कम बनाओगे? और कोई 200-300 लोगों का नहीं बनता है, जहाँ 200-300 लोगों का खाना बनता है वहां पे इनका परिवार पहुंच जाता है। ये इनकी असलियत। तो आपको ये याद है कि हम कहीं जाके खाना मांगते हैं, लेकिन मैं याद नहीं? निखत, आप बॉक्सिंग की चैंपियन हैं, आप इन्हें एक जोर से मुक्का मारी ना शायद मैं याद आ जाऊं। निखत, आपको गोल्ड मेडल मिला ना, मैं आपको डायमंड दूंगा। ऐसा मारो सीधा भूटान जाके गिरे ये। ये अभी ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन एक वक्त था कि मुझे पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा था। चल जूटी, तू तो पहले संडे फंस गई थी। याद, छुट्टी छुट्टी का याद है, संडे संडे का, वर्किंग डेज का नहीं याद। चलो डॉक्टर ने बोला मेरी वर्किंग वाली नर्व पे लगा है। ठीक है कोई नहीं, एटलीस्ट संडे तो याद है, धीरे धीरे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सब याद आ ही जाएगा कि मैं ही इनकी बीवी हूँ, है ना? अच्छा तुम मेरी बीवी हो, ओके आई एम लियोनार्डो डिकैप्रियो। बोलने में क्या जाता है, क्या सबूत है आपके पास मैं आपका पति हूँ? बहन जी बहुत सुंदर दास छपरी वाले, मेरी दवाइयां करती है ऐसा कमाल कि कौवा भी चल देता है हंस की चाल। पहले तो खुद की चाल सही करो, ऐसा लगता है पेंगुइन को पाइल्स हुई है। बेटे तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? मेरा एक दोस्त है, उसका ससुर है ऊंट जैसे मुंह वाला, वो आके 6 महीने पड़ा रहता है, उसका ना खून खोल जाता है उसका मुंह देख के। दोस्त की वजह से मैं भी परेशान हूँ। खून खोल रहा है? अब बेटे मेरे हिसाब से ऐसे ससुर को ना ऐसे गर्दन से पकड़ के ना ऐसे करके ऐसे और ऐसे ऐसे मसल दो, ये ऐसा घूसा होता है ना मुक्का, और ऐसा दे दे भजन अंदर दादा जी। वो आपकी बात कर रहा है? अब बेटे फिर तो रहने देते हैं, बैठ के आराम से शांति से बात करते हैं। किसी बड़े आदमी ने बोला है कि अहिंसा परमो धर्मा। आए किसी आए। बड़े आदमी ने ये भी कहा है कि हक्का कमा के खाओ, किसी के घर में मत पड़े रहो। अरे बेटे हर किसी की अगर बात सुनते रहेंगे तो भूखों मर जाएंगे, है ना? सुनो सबकी, करो अपने मन की। मैंने तुम्हारे लिए ना 11 जड़ी बूटियों की एक पुतरिया बनाई है, खा लो बेटा। मैंने भी आपके लिए एक चीज बनाई है। क्या? बेटा अभी 10 मिनट पहले भरपेट खाना खा के आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत हैवी हो जाएगा। आपको टेंशन मत दीजिए, ससुर दामाद का नहीं हंसी मजाक चलता रहता है। हेलो, मैंने ना इसकी मूंछ पकड़ के इसका धनुष बना देना, मैंने खबरदार मुझे इसका दामाद कहा तो कोई दामाद नहीं मैं आपका। एक्चुअली क्या ना ये मेरे पापा हैं, इनके बारे में मैंने बताया नहीं, ये एक्चुअली बहुत ही एक फेमस वैद हैं। आपको ना मेरे बारे में टीवी में बोलना पड़ेगा कि आप लोगों ने जितने भी गोल्ड मेडल जीते हैं वो सब मेरी जड़ी बूटियां खाकर जीते हैं। ओ अंकल वो तो है लड़की, आपको मैंने पीटते हुए कोई रहम नहीं करना, निकल जाओ यहां से, मैं बता रहा हूं। देखो बेटा ऐसे तो नहीं जाऊंगा मैं, इतने सारे इंडिया के चैंपियन आए हैं तो मैं इंडिया के होने वाले चैंपियन से मिलवाना चाहता हूँ। कौन होने वाला? Come on, my dear son. अरे जीजा वो कर लिया, कुछ और बताओ। जीजा बीजा नहीं बोलना मेरे को, मैं चबा के थूक देना तेरे को जिंगम की तरह। ऐसे शांत नहीं होगा बेटे, सूंघ ले थोड़ा सा। शाबाश। क्या पापा क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ मतलब ससुराल है ये मेरा, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं आप बेटे? देखा मेरी जड़ी बूटियों का कमाल। जड़ी बूटी कुछ नहीं है, ये बनियान सुंघाता है अपनी सबको। आपको पता है
हॉस्पिटल वाले एनेस्थीसिया की जगह इसकी बनियान मांग के लेके जाते हैं, और जिस दिन बड़ी सर्जरी हो इसको खुद बोलते हैं आंख आपके हक करो मरीज को। इतना बदबूदार बाप है इनका। अब तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? अरे पैर छू और गोल्ड मेडल ले ले जा। ए, खबरदार, ऐसे गोल्ड नहीं मिलता। पता कितनी मेहनत की उन लोगों ने गोल्ड मेडल के लिए। अरे मेहनत तो मेरा बेटा भी करता है। बेटा इधर आ, 1000 पुश लगा, चल पुशअप कर। 1000 पुशअप, बस हो गया। ये तो एक ही लगाया उसने। अरे तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बाकी बाद में लगा लेगा, उसमें क्या है। मैं गारंटी देता हूँ, अगर मेरा बेटा इंडिया के लिए दौड़ेगा ना, फर्स्ट आएगा मेरा गोली। कैसे? गोली को बंदूक में डालो, छोड़ दो। पापा, ये सब बातें छोड़िए, इनको याद दिलाने का कोई और तरीका है कि? ए, सकते हैं। ए, कोई बीच में नहीं आएगा, आप लोग तो बिल्कुल बीच में मत आना। अबे ये क्या है? केला। ये क्या है? ड्रैगन फ्रूट। वो कौन है? पता नहीं। अरे दीदी, तुम्हारी शक्ल भी ड्रैगन फ्रूट की तरह होती ना, जीजा को याद आ जाता। अरे पापा, जल्दी जल्दी घोड़ा बनो, मुझे अंदर तक लेके चलो। अब बेटे घोड़ा तो मैं बन नहीं सकता, हाइट मेरी कम है ना, गधा बन जाता हूँ। गधा बन जाओ। चलो, चलो। अरे कमर में दर्द होगी। अरे तुम भी आ जाओ। अरे छोड़ो यार, पापा यार। मूड खराब कर देते हैं लोग बीच में आके। एकदम से करेक्टर चेंज होता है इंसान। दिख रहा है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।